वीडियो पॉज करिए, कुछ देर सोचिए इस क्वेश्चन पे, सोचने लायक ऐसे क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है, और तुरंत आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, 143 को 254 लिखा गया है, 368 को 479 लिखा गया, इतने में ही करते में आपको पेन चलाते मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन है। ये है किसका, रेलवे का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब कुछ क्या हो रहा है इसमें, एक बढ़ रहा है, एक से एक इंक्रीज हो रहा है, चार से एक इंक्रीज हो रहा है, तो बस पांच से एक इंक्रीज होगा तो छह आएगा, तो छह वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है, आंसर हो गया। तो इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्ड को 44 के रूप में और लोड को 30, ठीक है, लोड को कोड किया गया 30 में लिखा जाता है, तो उसी में ब्रिट को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपसे मैं ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि यहां पे आपका लेटर हो और यहां पे आपका नंबर हो, ठीक है, तो इसमें क्या चलेगा, जान रहे हो कि पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है हर एक लेटर की, वो कहीं ना कहीं ऐड हुआ हो, सब उसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ हो या जोड़ के कुछ उसमें मल्टीप्लाई हुआ हो, यही आपके तीन कॉन्सेप्ट चार कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड चलते हैं, मतलब मेन प्लेस वैल्यू का ही रोल होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या ऐड हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो देख लेते हैं। वर्ड सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते जाओ कि डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23, ए पे कितने पे होता है 1 पे, आर कितने पे होता है 18 पे, और डी कितने पे होता है 4 पे, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 23, 1, 24, 24, 4, 28, और 28 और 18, 6, 2, 3, 1, 46, टोटल 46 आया, और लिखा कितना है 44, तो इसका मतलब कितना माइनस हुआ, ठीक है, 2 माइनस हो गया, तो जो इनकी प्लेस वैल्यू हो उनको प्लस करने के बाद 2 माइनस हो जा रहा है, तो आपको वो लिखा जा रहा है। बस वही सेम चीज एक बार इसमें भी चेक कर लेना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में क्या करना कि पहले में चेक कर लो इसमें ना चेक करो, हो सकता है कुछ और लगा हो, मगर चेक कर लेते हैं इसमें एल कितने पे आता है, मेरे साथ बोलते जाओ सभी को याद हो जाएगा कि प्लेस वैल्यू कितनी है, एल के साथ कितने पे आता है 12 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और ए कितने पे आता है 1 पे, और डी कितने पे आता है 4 पे, तो 4 एक 5 ये हो गया, तो 15 और 5 20 हो गया, 20 और 12 ठीक है 2 हो गया, 2 एक 3 32 हो गया, तो ये 32 हो गया और लिखा कितना है 30, तो इसका मतलब 32 में से 2 माइनस हो गया, तो आपका बचेगा कितना 30, तो 2 माइनस होके हुआ है। तो वही हम देख लेते हैं, हमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बी आर आई टी ये पूछा है, तो इनकी प्लेस वैल्यू सम करो, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो ये कितने पे आएगा, 2 पे, ये 18 पे ठीक है, और ये 9 पे, ये 20 पे ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 2 20 20 20 40 40 9 49 49 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 47, तो 47 इसका आंसर होना चाहिए, कहां है आपका, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ आर आई एस के ई डी को कोड किया गया इस लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग मतलब होता ही है कि जब उसके लैंग्वेज को पढ़ ही ना पाओ, कोडिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी जो है आपका मीनिंगफुल है उसको अनमीनिंगफुल वर्ड बना दिया जाता है कोडिंग, और डिकोडिंग मतलब अनमीनिंगफुल वर्ड से आपको मेन जो है आपका क्या है मीनिंगफुल वर्ड वो बताता है। अब इसमें पूछ रहा है कि सन का कोड क्या होगा, सिंपल सा, तो पहले वाले में देख लेते हैं लॉजिक क्या है, ठीक है, उसमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो जब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बहुत सा आसान क्वेश्चन है। देखो ये कितने पे आता है प्लेस वैल्यू, 6 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, और ये 11, ये 5 और ये 4, इधर ऐसे कर लेते हैं, ये कितने पे आता है, पहले कोई भी क्वेश्चन हो प्लेस वैल्यू जैसे ही उसके ऊपर लिख लोगे ना तो पता चल जाएगा वो उस पर कॉन्सेप्ट क्या है। ये कितने पे 8 पे आता है, ये 20 पे, ये 11 पे, ये 21 पे, ये 13 पे, और ये जी कितने पे है 7 पे, और ये 6 पे, यही से दिखेगा। देखो 6 है तो यहां 8, ये 18 है तो 20, 9 है तो 11, मतलब क्या हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है सब में, तो प्लस 2 हो रहा है सब में, तो आसान हो गया। तो एस यू एन है, तो अगर हमें देखना है तो एस कितने पे आता है 19 पे, 2 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 21, 19 के बाद 20 और 21, यू से शुरू होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भी देखो कितना आसान आसान सेट किया था रेलवे ने, सीधे पे प्लस 2 किए और यहां आ गया यू डब्ल्यू पी ही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये कोई जरूरी नहीं है आप सोच रहे होगे सर रेलवे का क्वेश्चन है क्या इसमें यूपी ट्रिपल एससी में आएगा, आएगा क्योंकि एजेंसी क्या आपकी सेम है टीसीएस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 has 13 इक्वल टू 3, 25 has 3 इक्वल टू 11, 36 has 10 इक्वल टू 13, और उसके बाद से वो 7 has 3
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स लगाया है, तो आपको पता चलना है कि ये किस मेथड से चल रहा है। तो मेथड देखते हैं, पहले तो आपका इतना कम आया है इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस हुआ होगा या डिवाइड, कभी कोई वैल्यू किसी से कम आती है तो इसका मतलब माइनस या तो डिवाइड। तो 19 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो भैया 6, मगर 6 तो लिखा नहीं है, 3 लिखा है, तो 3 कैसे आ गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, 3 मतलब 6 से भी कम है, तो इसमें भी कुछ माइनस हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। तो हम बोले 6 का अगर हाफ कर दे तो भी 3 आएगा, या 6 में से 3 माइनस कर दे तभी भी 3 आएगा। इस वाले में देख लेते हैं कौन सा क्या चल रहा है, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 22। अब 22 का हाफ करोगे, 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11 यहां है, सेटिस्फाई कर गया। 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 26, 26 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 13, मतलब सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 7 में से 3 माइनस करना है, क्या बचेगा 4, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर 2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये भी उसी से टाइप से रिलेटेड है आपका, 5 125 इक्वल टू 25। देखते ही आंसर आ जाएगा क्योंकि तुम्हें आ रहे दिमाग में ना ये फिगर 5 125, ये चल जो है काफी फेमिलियर हो इस फिगर से, 5 25 जब भी आ जाए मतलब स्क्वायर है क्यूब है इस टाइप से तुरंत रिलेट करने लगते हो। 12 48, 4 यहां दिया है, 4 24 पूछ रहा है क्या है, तो सिंपल सी है, देखो 5 into 25 कितना हो जाएगा 125, ठीक है। और यहां पे 12 चौको 48, और यहां पे 4 क्या होना चाहिए कि यहां 24 आ जाए, 6 4 के 24, तो 4 into 6 होगा तभी आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो देखो कितना आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्राइमेट को क्या लिखा गया है, MOFJXQB, उसके बाद से आपसे किसका कोड पूछ रहा है, काऊ का पूछ कर रहा है। मैंने पहले बताया कि जब भी आपसे कोडिंग डिकोडिंग आए तो कुछ भी नहीं सोचना है, सबका प्लेस वैल्यू लिख दो, उसके बाद सोचना कि क्या वो प्लेस वैल्यू ही आपको बता देगा कि हमें करना क्या है। जैसे पी कितने पे आता है बोलते रहो 7 7 16 18, आई कितने पे 9 13 1 20 5, ठीक है, और एम कितने पे होता है 13 15 6, ये जे कितने पे आता है 10 पे, और एक्स कितने पे आता है 24, ठीक है, और क्यू कितने पे होता है 17 पे, और बी कितने पे होता है 2 पे। अब देख लेते हैं वो, क्योंकि आपका प्लेस वैल्यू ही बता देगा, मैंने बोला था अभी 16 13 18 15 9 6, क्या हो रहा है भाई, देखो 16 से 13 जा रहे हैं तो कितना माइनस हो रहा है 3, 18 से 15 जा रहे हैं कितना माइनस हो रहा है 3, ठीक है, और लास्ट में देख लें क्या यही चल रहा है क्या, ई से 2 हो रहा है मतलब 5 से 2 हो रहा है तो कितना माइनस हो रहा है 3 ही तो माइनस हो रहा है। सब में देख लें यहां से 13 से 10 हो रहा है, ये भी माइनस 3 हो रहा है, ये कितना है 1 से किस पे आ रहे हैं 24 पे आ रहे हैं, तो टोटल कितने लेटर होते हैं 26, तो एक जोड़ लोगे तो 27, 27 में से 3 माइनस करोगे तो कहां पर जाओगे 24 पे, तो तभी तो ये 24 पे क्या है एक्स है, तो सब में कॉन्स्टेंटली क्या माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, बस और कुछ सोचना ही नहीं तुम्हें। सी ओ डब्ल्यू काउ लिखा हुआ है, तो सी किस पे आता है 3 पे, ये 15 पे और ये 23 पे, तो इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये कहां आ जाएगा जेड पे आ जाएगा, क्योंकि 26 होता है, 26 और 3 29 हो गया, 29 में से आप 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 26 पे आ जाओगे, तो जेड ही आएगा, तो ऑप्शन जेड से कौन सा शुरू है, ऑप्शन ए शुरू है, ये आंसर होगा। ऑप्शन देखो कैसे सेट किया गया, ये भी नहीं कि हाँ यहाँ पे जेड और भी कुछ लग दे कि एक बार कंफ्यूजन हो जाए दोनों में कंपेयर करने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, याद ये सिलेंडर को कोड किया गया है UHGQGHWA, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, हाइड्रोजन का कोड पूछ रहा है आपसे क्या होगा। चलो इसे देखते हैं कैसे कोड किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्लस माइनस हुआ है कुछ हुआ है, देखते हैं किस बेसिस पे हुआ है। तो पहले मैंने भाई जो कोई भी क्वेश्चन हो सबका क्या कर लो, प्लेस वैल्यू लिख लो, लिखते हैं SYLINDER, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं साथ साथ बोलते रहो 3, ये कितने पे आता है 25 पे, L कितने पे आता है 12 पे, I कितने पे आता है 9 पे, N कितने पे 14 पे, और D कितने पे 4 पे, E कितने पे 5 पे, और R 18 पे। अब इसका कोड क्या है उसे भी लिख लेते हैं भाई, U H G
क्यू जी जे डब्ल्यू ए। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं कि ये किस किस पे आता है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, यू 21 पे, साथ साथ बोलते रहो सभी याद हो जाएगा, प्लेस वैल्यू का कोई टेंशन ही नहीं है। एच कितने पे, 8, ये 7, ये 17, ये कितने पे आ गया, 7 पे। जे कितने पे, 10 पे, ये 23 पे और ये 1 पे। अब देखते हैं कि हुआ क्या है इसमें। ठीक है, ये देखो 21 किसके आसपास का संख्या नजर आ रहा है तुम्हारे, ये 21 18 से आसपास आ रहा है ना, हमेशा आसपास वाला ढूंढना। ठीक है, और यहां देखो ए आ रहा है, इसका मतलब ये किसके आसपास है, 3 के आसपास है। इसका मतलब तुरंत समझ गए कैसे हुआ है, इसका स्प्लिट हुआ है कहां से, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 4 पे क्या हुआ है, ये स्प्लिट हुआ है। तो कहां से, यहां से 20 से स्प्लिट कर देते हैं इसे। ठीक है, 20 से स्प्लिट कर दिए तो ये 18 से 21, ठीक है, 18 से 21, 19 20 21 कितना हुआ, +3 हुआ। ठीक है, वैसे इसको देख लेते हैं, 5 3 8 होना चाहिए, देखो हाँ +3 हुआ। यहां देख लें, देखो 4 3 7 यहां हुआ, और इधर वाला देख लें ये कैसे चल रहा है, 3 के आसपास 1 आ रहा है, तो देखें ये 3 के आसपास 1 कितने पे हुआ, माइनस 3 से 1 गए तो कितना हुआ, -2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। तो इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका लेफ्ट साइड वाला, इसमें से -2 हो रहा है, और राइट साइड वाले में से क्या हो रहा है आपके, राइट साइड में से -3 हो रहा है। तो इसी को बस देखते हुए हम इसका आंसर निकालते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, हाइड्रोजन पूछ रहा है, इसका कोड क्या होगा, डी आर, ठीक है, आर ओ जी ई एन। नंबरिंग कर लो इसका, 8 होगा, ये 25 होगा, ये 4 होगा, ये 18 होगा, ये 15 होगा, ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये 14 होगा। अब इसे कहां से क्या करना है, हाफ स्प्लिट करना, हाफ स्प्लिट करना मतलब 4 में करना है, तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। अब क्या करना है, ये पहले आएगा, पहले आएगा तो पहले वाले में, इस वाले पार्ट में क्या करना है, -3 करना है, तो 14 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा। 11 मतलब कहां से शुरू होना चाहिए, के से शुरू होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो जो आर था तो यू से शुरू हुआ था, उसके बाद यहां पर एन है तो एन में +3 हो रहा है, माइनस नहीं +3 हो रहा है। ठीक, 14 में +3 हो रहा है 17, क्योंकि यहां देखो यहां +3 था, यहां +3 हो रहा है, तो जब 14 में 3 ऐड करोगे तो 17 आएगा, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। उसके बाद 5 +3 ऐड करोगे तो यहां पे 8 आएगा, 8 पे क्या आता है, ठीक है, 8 पे एच आता है, तो क्यू एच यहां आएगा, क्यू एच, क्यू एच देख लो सब में, क्यू इसमें भी क्यू एच है, इसमें भी क्यू एच है, ये ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, इसमें भी क्यू एच है। तो हम लास्ट से शुरू कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, लास्ट में क्या है, देखो W B W F, B W F और B W F सब में कॉमन है, मतलब आपका 3 1 2 3, जैसे यहां पे 3 लेटर है तो इधर से 3 लेटर ही आपका सेम है, इधर से आएगा, तो हम ये जो तीनों लेटर है इसका मतलब 1 2 3, तो हमारा कोडिंग में सब में सेम है, हमें बस इस वाले का पता कर लें कि क्या होगा, तो आंसर पता चल जाएगा हमारा। तो देखो ये आर है, तो आर ये वाला क्या होता था, माइनस, इधर वाले क्या हो रहे हैं, सब माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, 18 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16, 16 पे क्या आता है, P, तो मतलब B के बाद P किसमें है, देखो B के बाद P इसमें है, तो ये कट गया पहले ही और इसी में बच रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, करने का ये तरीका है, सभी ना करो, देख लो कि ऑप्शन में क्या क्या सेम है। पहले यहां देखो ये तीनों क्या है, सेम है, लास्ट के 3 डिजिट सब में सेम है, पहले तो ये शुरू से ये वाला खत्म हो गया, एक ऑप्शन आपके बचा, 3 ऑप्शन, तीनों में लास्ट के 3 डिजिट सेम है, तो हम 3 को छोड़ देंगे, वाले इस वाले से देख लेंगे कि यही हमारा यहां पे आएगा, और यहां पे तो हमारा क्या होगा, बी होगा। तो उसके बाद वाला क्या आ रहा है, यहां से 18 में से -2 होके आ रहा है, तो 16 आ रहा है, तो पी किसमें है, बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे को कोड किया गया है MY में, यह भी आसान सा है। तमिलनाडु का पूछ रहा है कि कोड क्या होगा, तो इसमें देखो क्या ऐसा है कि MY कैसे हो गया, ये कुछ बड़ा भी नहीं घटा भी नहीं, सिंपल। इसमें देखो M और Y कहां है, ये M3 पोजीशन पे है और Y किस पे है, 6 पे है, मतलब जो 3 और 6 वाले पोजीशन है वो 3 बार रिपीट है, तो हो सकता है क्या ऐसे ही कोड हो, ऑप्शन से ही पता चल पाएगा। तो देखते हैं, इसमें 3 ये है, 3 नंबर पे ये है, 6 नंबर पे क्या है, 4 5 6, 6 पे n है, और 6 के बाद 9 पे क्या है, 3 3 के अगर मल्टीपल पे पोजीशन देखें तो क्या आपका बनेगा,
एम तीन पे है, एन जो है छह पे है और यू कैस किस पे है, नौ पे है। तो यही तीनों लेटर तीन बार रिपीट हो, एम एन यू और एम एन यू, ऐसा क्या ऑप्शन है? हाँ, तो ये फॉलो कर रहा है इसी प्रोसीजर को, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये एक वो क्वेश्चन अच्छा था जो इससे प्रीवियस के प्रीवियस कराया था, और एक ये है पूरे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं क्या है इसमें। प्रिकॉशन को कोड किया गया है एम एन एच एस टी क्यू एस एफ डी बी में, उसके बाद से बोला है टेंजेंशियल का कोड क्या होगा। ठीक है, तो उसमें भी देखते हैं कि इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, पहले तो लिख लेते हैं। और पहला काम ही होता है कि हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है सबकी, तो पहले प्रिकॉशन लिख लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, साथ साथ बोलते रहना ताकि आपको भी सभी के लेटर जितने भी है अल्फाबेट्स में लेटर है प्लेस वैल्यू याद हो जाए। पी कितने पे आता है भाई बताओ, 16, आर 18, ई 5 और आपका ये क्या है सी, सी कितने पे आता है 3 पे, ए 1 पे, यू कितने पे होता है 21 पे, टी 20 पे, आई 9 पे और ओ कितने पे होता है 15 पे, एन 14 पे। इसके कोड वाला लिख लेते हैं, किसमें कोड किया गया, एम एन एच एस टी क्यू एस एफ डी बी। ठीक है, अब इसका कोड लिख लो, एम कितने पे होता है 13, ये कितने पे होता है 14, एच कितने पे होता है 8 पे, एस कितने पे होता है 19, ये 20, ये 17 और ये क्या है क्यू के बाद एस है। ठीक है, क्यू के बाद एस है, तो ये कितने पे होता है 19 पे, और एफ कितने पे है 6 पे, और डी कितने पे 4 पे, और ये 2 पे। अब देख लेते हैं आसपास कौन सा बन रहा है इसमें कोड, कौन सा किसके आसपास है। देखो ये 14 है तो यहां 13 आया है, ये 15 है तो यहां 14 आया है, 9 है तो 8 है, यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे डिजिट प्लेस वैल्यू लिखोगे ना तो आसपास वाला ढूंढना है, आसपास वाला जैसे ढूंढोगे तो देखो 14 से 13 काफी पास है, 15 से 14 तो बोलोगे सर क्या है, 16 से 13 भी तो आसपास है, 18 से 14 भी तो आसपास है, 5 से 8 भी तो आसपास है, एकदम आसपास होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आपको उठा के कर लिए। ठीक, तो ये देखो पहले इसमें तो क्या करना है, स्प्लिट करना है, कहां से 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया और 5 आपके इधर हो गए। इसे देखते हैं एन से ये कितना आया, 1 माइनस हुआ है। ठीक है, उसी तरह 15 से इधर आए तो कितना माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है, और यहां से यहां आएंगे तो 1 माइनस हुआ है, यहां से यहां आएंगे तो 1 माइनस हुआ है, और यहां से भी सब में 1 हुआ है। हाफ पोर्शन में माइनस 1 हो रहा है इस वाले में, और इस वाले में देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। देखो आसपास कहा था मैंने, आसपास में कितना है 16 से 17। ठीक, 16 से 17 हो रहा है, ये वाला यहां पे आ रहा है, उस वाले केस में क्या होता है, ये जो था फर्स्ट आपका लास्ट में जा रहा था जो प्रीवियस से प्रीवियस कराया था, तो इसमें क्या हो रहा है 16 से 17 मतलब प्लस 1 हो रहा है, और 17 से ये 18 से 19 मतलब प्लस 1 हो रहा है, मतलब इस सब में प्लस 1 ही होगा, क्योंकि सी से यहां पे देखो ए है लास्ट वाला तो यहां बी है, मतलब प्लस 1 ही हुआ है। सिंपल सा हमें जो पूछा उससे कर लेते हैं, टी ए एन जी ई एन टी आई ए एल, कोड बोलो भाई सभी लोग साथ साथ, ये कितने पे है 20 पे, 1 ये 14 ये 7 ये 5 ये 14 ये 20 और ये 9 और ये 1 और ये 12, इसे क्या करना है आधा डिवाइड कर देना, कहां से 2 2 4 1 5 पे जाओ, ये हो गया, और 2 2 4 1 5 इधर हो गया। अब क्या करना है, यहां से लाना है कितना माइनस 1 से होना चाहिए, माइनस 1 मतलब 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपसे 11, 11 मतलब के से शुरू होना चाहिए। ठीक है, सब कितने ऑप्शन के से शुरू है, ये तो खत्म हो जाएगा, बी और सी और डी के से शुरू है, तो चलो देख लेते हैं इसके हाफ के बाद यहां जो है आपका ये ई है जो वो इसका लास्ट लेटर होगा, तो ई में 5 वाला क्या हो रहा है इसमें, यहां का जो हाफ है ये वाला प्लस हो रहा है 1, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो यहां प्लस 1 होगा, तो 6 पे क्या आता है एफ आता है, तो देख लेते हैं के और एफ से इसकी एंडिंग होनी चाहिए, तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे कर ही लेते हैं। यहां 1 से क्या होगा माइनस आएगा, तो यहां पे कहां पहुंच जाओगे जेड पे पहुंच जाओगे, 9 से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 पे क्या आता है एच आता है, 20 से 1 माइनस करोगे तो कहां आ जाओगे एस पे, और 14 से 1 माइनस करोगे तो किस पे आ जाओगे
13 पे। तो इसमें देख लो के जे के जेड एच एस एम, ये तो मिल गया पूरा का पूरा, के जेड एच एस एम इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। चलो तो इसे भी पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसे जब ऑप्शन सेट हो जाते हैं तब तुम्हारा जो है उतना दिमाग नहीं काम करता है। तो ऐसे जब ऑप्शन सेट हो जाए तो आपको क्या करना है, ज्यादा ऑप्शन पे नहीं दिमाग लगाना है, क्योंकि ज्यादा तक दिमाग इस पे लगाओगे तो उतने में यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। यहां देखते हैं यहां पे क्या होगा, एफ होगा, यहां पे जी से एक बढ़ेगा तो यहां एच होगा, एन से एक बढ़ेगा 14 के बाद 15 ओ होगा, ए से बढ़ेगा तो यहां बी होगा, और टी से 20 से 21 बढ़ेगा तो यहां यू होगा। तो यू बी ओ एच एफ किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां यू के बाद ओ आ गया है, यहां बी यू बी आ रहा है, ओ एच यहां पे पहले ही यहां पे गड़बड़ था क्योंकि ये तो ऑप्शन पहले ही कटा हुआ था, हमें इसी और इसमें से ही देखना था। तो यहां पे ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो के जेड एच एस एम यू बी ओ एच एफ, यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है भाई, पढ़ लो, पॉज करो वीडियो, देखो इसमें क्या है, क्योंकि जब भी आपसे मैंने बताया है कि ऐसा आ जाए कि लेटर हो उसका नंबर दिया हो तो क्या होता है, प्लस वैल्यू या तो प्लस हुआ हो या तो माइनस हुआ हो या तो डिवाइड हुआ या मल्टीप्लाई हुआ हो, तो पॉज करो और बता दो कि आंसर क्या होगा। चलो और इस लेक्चर के लास्ट तक रुकना, क्योंकि लास्ट में मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा वो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि उसे आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है कि देखें कितने लोग उसका सही आंसर देते हैं। ठीक, चलो इसमें क्या है, L U X O R भाई प्लेस वैल्यू सभी को याद होगा 12, U कितने पे होता है 21, ये 24, ये 15 और ये 18, सम करो कितना आएगा, 21 24 15 18 12, ये टोटल हो जाएगा आपका 12 21, ठीक है 20, यहां 20 24 है 15 है प्लस 18 है, तो आप सबको सम करो, यह देखो सम करोगे तो यहां पे क्या आ रहा है 30 आ रहा है, इसका मतलब ये सम तो ज्यादा ही होगा, तो उसके बाद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ है। तो यहां करोगे तो 4 1 5 5 10 10 2 12 12 8 20, 2 हो गया 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 90, ये आ गया कितना हो गया आपका 90, तो 90 आएगा इसका सम, तो 90 आया, यहां लिखा है 30, ये कैसे हुआ, अरे तो 30 लिखा है तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, तभी तो 30 आएगा भाई, 3 से इसको डिवाइड कर देते तो 30 आ जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा है इसमें जी यू आई एल डी एस का कोड क्या होगा, तो इसमें देखो जी कितने पे आता 7, यू कितने पे 21, ये 9, ये 12, याद हो जाना चाहिए प्लस वैल्यू, इतनी बार मैं बोल रहा हूं 8, डी कितने पे आता है 4 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, इन सबका सम करोगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, सबका सम करोगे तो आएगा ये 21 9 12 4 19 72, ठीक है ये 72 आएगा। उसके 72 को क्योंकि मेन कोड क्या है, ये तो प्लेस वैल्यू सम नहीं है, मेन कोड ये है कि जो भी आपका प्लेस वैल्यू पे सम आ रहा है उसको किससे, 3 से डिवाइड करना है, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 24 आएगा इसका आंसर। तो 24 देखो कहां है, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका हो गया 10 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 36 13 लिखा हुआ है, ठीक 37 81 28 लिखा है, 43 38 और ए है, ऐसा क्या है इसमें, क्या चल रहा है कि ये बीच वाला जो है, आपसे पूछा क्या है, आपसे ए की वैल्यू पूछा है, ए क्या होगा, ये भी कोडिंग ही कोडिंग का ही पार्ट है कि इसमें कौन सी कोडिंग लग रही है, तो कौन सी कोडिंग लग रही है देखते हैं। इसमें 19 और 13 बीच में है, इसका मतलब कि इससे और इसी से ये बीच वाला कुछ मिलेगा, ठीक है इसीलिए उसे ब्रैकेट में रखा गया है। तो 19 में से 13 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 बचेगा, और ये 36 क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, देख लें क्या यही इसमें भी चल रहा है। 37 और 28 माइनस करोगे तो 37 में से तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहां देख लेते हैं 43 और 38 क्या आएगा, माइनस करोगे तो 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई 25, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपके इसमें वो थे थोड़े टाइम टेकिंग, बाकी तो बहुत आसान थे।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साफ साफ बोला इक्वल टू 26, इक्वल टू 26 कैसे होगा? एक तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक होती है, मगर यहां बोला भैया 26 है तो मान लो 26 है, और क्या। बी 25 है, बी की वैल्यू 2 होता है, बोला 25 है तो मानना पड़ेगा, जो बोलेगा एग्जामिनर उसी को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर नंबर माइनस होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 19, उसके बाद से बोल रहा है कि अगर दिल्ली को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि ए को 26 क्यों बोल रहा है, तो एक होता है अपोजिट पेयर, वो दिमाग पे क्लिक करना चाहिए। एक जब एबीसीडी पूरा ऐसे लिख डालो तो यहां जेड आएगा इसके अपोजिट में, और जो भी अपोजिट जो पेयर होता है उनका लेटर का जो प्लेस वैल्यू का जो डिजिट का सम होगा वो कितना होता है, 27 होता है। जैसे ये एक पे आता है तो ये 26 पे आता है, तो 26 1 27, हमेशा जितने भी जो लेटर के पेयर है अपोजिट होंगे उनके प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो 27 होगा, हमेशा 27 होगा। तो देखो जब ये बोला कि 26 है ए की वैल्यू, इसका मतलब ए का जो कोड किया गया उसके किससे किया गया है, उसके रिवर्स ऑर्डर से अपोजिट पेयर से सॉरी नंबर से किया गया है। तो बस हमें भी क्या करना है, दिल्ली है ठीक है, इसका पूछ रहा है आपसे कि क्या कोड होगा, तो पहले तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लो, पहले सिंपल प्लेस वैल्यू लिखो, ये 4 पे आता है, ये 5 पे, ये 12 पे, और H कितने पे आता है, 8 पे, और ये 9 पे, ठीक। तो अब इसका अपोजिट लिखें, तो मैंने बताया अपोजिट में जो प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है, तो भाई इसमें कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, ठीक है, 23 पे W आता है, तो D का अपोजिट पेयर W होता है, E है, इसका अपोजिट पेयर कितना होगा, 22, तभी तो 22 5 27 होगा, 12 का अपोजिट कितना होगा, 15, ठीक है, 15 वाला जो होगा O, 8 का अपोजिट पेयर 19, 9 8 17 तभी 27 होगा, और 9 है तो इसका क्या होगा, 18 पे R आता है, तो देख लो ये कहां है, 23 22 15 19 18, ऑप्शन बी आपका सामने दिख रहा है, 23 22 15 19 18, तो ये दिल्ली का कोड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यूनिटी को कोड किया गया है 35927 में, पूछ रहा है मैंगो का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं कि अब ये 35927 कैसे आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसी बेस पे, मतलब जो इसमें आपको लॉजिक लगा है सेम क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में, ये जूनियर असिस्टेंट था उसी में पूछा था शायद, हो सकता है, मगर पूछा है यूपी ट्रिपल एससी में। क्या है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पहला काम कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी हो तो ये रामबाड़ याद रख लो कि कुछ भी नहीं करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो यूनिटी प्लेस वैल्यू साथ साथ बोलते रहो, यू 21 एन 14 आई 9 टी 20 और वाई 25, टी 20 मत खेलने लगना ठीक, y कितने पे आता है 25 पे। अब देखो कि ये 21 पे है तो भाई यहां 3 क्यों लिखा, ये 14 पे है तो यहां 5 क्यों लिखा, क्लिक होना चाहिए दिमाग पे तुरंत एकदम, कैसे 5 लिखा कैसे 3 लिखा, क्यों, क्योंकि देखो ये 21 है लिखा तो 2 और 1 जो इसकी प्लेस वैल्यू है दोनों यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, तभी वहां 3 लिखा है, 4 और 1 5, ये 9 सिंगल डिजिट में है तो 9 ही होगा, ये 2 और 0 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2, ये 5 और 2 7, देखो आ गया ना 35927, बस जब यहां पकड़ लिए तो बस ये आ जाएगा आराम से मैंगो, ठीक है। जब मैंगो पूछा है तो आराम से एम कितने पे होता है 13, ए कितने पे होता है 1, एन 14, जी 7, ओ कितने पे होता है 15, प्लेस वैल्यू याद हो जाना चाहिए पूरा, जब कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा सेशन पूरा के पूरा जितना भी मैं कराऊंगा, अभी ये आपका क्या है दूसरा पार्ट है, आगे आते रहेंगे पार्ट तो उसमें आपको पूरा का पूरा जो है रट जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, 13 1 14 7, अब इसमें क्या करोगे 3 और 1 4, 1 तो सिंपल उत्तर आएगा, 4 1 5 7 5 1 6, तो देख लो कहां है 4 1 5 7 6, 4 1 5 7 6 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, इसमें 324 289, ये फिगर देखते ही तुरंत आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको क्या याद हो
आपको सभी के अगर स्क्वायर पता हो तो जैसे ये सब फिगर आएगा तो तुरंत समझ जाओगे कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, कैसे कोडिंग की गई है। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। 289 17 का। 18 और 17 ऐड कर दो तो 8 × 7 = 15 मतलब 35, मतलब इन्हीं का एडिशन हुआ है। इसमें देख लेते हैं 448 किसका होता है? 21 का, ठीक है। और 484 किसका होता है? 22 का। तो 21 और 22 43। पूछा क्या आपसे? 625 times 400, तो ये तो पता ही है 25 का होता है, और ये 400 कितने का होता है? 20 का होता है। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 45। आंसर कहां है? ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये आपका 14 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 15 नंबर। ये भी क्वेश्चन जिस लॉजिक पे लगा है ये भी UPSSC में पूछा जा चुका है। पॉज करो और इसे लगाओ, क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। बोल रहा है संडे 18, मॉनसून 21, ईयर 12, थर्सडे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें लॉजिक क्या है? इसमें देखो पहले तो प्लेस वैल्यू लिखोगे, मगर वो नहीं काम करेगा क्योंकि इसमें लॉजिक अलग से है। लॉजिक अलग से कैसे है? सिंपल सा है, यानी कि सब में वही सोचने लगना। दो तीन लॉजिक तो तुम्हें एक्स्ट्रा लेके चलना ही पड़ेगा। संडे है, कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर हैं, और 18 यहां लिख दिया भाई। 6 से 18 किया मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा उसमें? 6 × 3 तभी 18 होगा, ठीक। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 7 लेटर है, 21 लिखा हुआ है। बस यहीं से समझ में आ जाएगा कि यहां पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई हुआ है तो 21 हो गया, ठीक। वैसे ही ईयर में यहां पे भी देख लो 1 2 3 4 है, टोटल लेटर 4 है, उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 3 हमारा कांस्टेंट है जिससे हम सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 12। पूछा क्या आपसे? थर्सडे, तो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्या आ जाएगा आंसर? 24। तो आंसर कौन सा होगा? डी। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन आपके। अब मैं बोला था एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं जो चैलेंज वाला क्वेश्चन है आज का, जो सवाल देख लो वीडियो पॉज करके, ये पूरी एक सवाल है। लिखा है इसमें क्या है मैं बता रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, ठीक है। देखे कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। इसमें एक सिंपल सा है कि 1111 चार बार 11 लिखा हुआ है कोड में, और उसका प्लस करके एडिशन करके 10 लिखा हुआ है। अब बोला यह गया है कि प्रत्येक अक्षर एक अनोखे धनात्मक अंक से विस्थापित कीजिए, मतलब जितने भी यहां पे लेटर आपको दिख रहे हैं सभी का जो है एक पॉजिटिव जो है इंटीजर जो होगा आपका वैल्यू होगा उसमें। ये 1 का जैसे 0 से लेके 9 तक, क्योंकि इसमें एक और भी बोला है कि कोई भी अक्षर का जो वैल्यू होगा वह 0 नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होना चाहिए किसी की वैल्यू, 1 से लेके 9 तक, और डबल अंक में नहीं होना चाहिए किसी की वैल्यू, किसी भी जो आपका लेटर है उसकी जो वैल्यू होगी 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 2 अंक में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 से लेके 9 तक आप इनमें से कोई भी वैल्यू इनमें हो सकती है। अब वो आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू इस पे सेटिस्फाई करेगी कि जोड़ने पे आपको ऐसा ये आए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब पूछा क्या आपसे कि टी का मान बताना, जैसे इसमें 10 आया तो 10 में टी का मान बताना है आपको कि क्या होगा, 8 6 7, या इसे इस सवाल को कर ही नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट में जवाब देना है। इसका आंसर मैं इसके अगले सेशन में जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड जो सेशन होगा उसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। धन्यवाद।